SSB मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब देखिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये पूरा 5 दिन का एक लंबा प्रोसीजर है। देखिए आप समझ के देखिए, ये लड़का कल इंडियन आर्मी में जनरल रैंक पे भी जा सकता है, मतलब देश की कमांड संभाल रहा हो फौज की। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए पूरे 5 दिन लगाते हैं, गलती से भी गलत आदमी सिलेक्ट ना हो जाए। और आप ये बात समझिए, आप हो सकता है अभी एनडीए के थ्रू आ रहे हो, टीएस के थ्रू दे रहे हो, सीडीएस के थ्रू दे रहे हो, एफकेट के थ्रू दे रहे हो, टीए के थ्रू दे रहे हो, आपको एसएसबी निकालनी ही पड़ेगी तभी आप ऑफिसर बन सकते हो। और ये सपना जो अपने पेरेंट्स का है स्माइल करते हुए देखने का, ये बिल्कुल पूरा हो सकता है। इसमें आपको इस प्रोसेस को पूरा ढंग से समझना होगा। आप देखिए बात समझिए, जब इंडियन आर्मी कहती है कि मैं आपको ऑफिसर बना रहा हूं, तो वो कहती है कि मुझे ऑफिसर में ये खास बात चाहिए, मैं उसका ना साइंस चेक कर रहा हूं, ना मैं उसका मैथ्स चेक कर रहा हूं, ना मैं उसका जीके चेक कर रहा हूं, मैं ये क्वालिटी चेक कर रहा हूं। ठीक है, अब इन क्वालिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस 5 डे प्रोसेस के अंदर आपके कई सारे टेस्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और यहाँ पर आपको 3 ऑफिसर चेक कर रहे होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटी ऑफिसर और साइक ऑफिसर। लगातार इन 5 दिन तक आपको ये चेक करते रहेंगे, डे 1, डे 2 टू डे 5। ठीक, ये एग्जाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कराती है। इस एग्जाम के थ्रू जब आप रिटर्न देकर आते हैं, तो आपको एक नर्वसनेस होती है कि एसएसबी में होगा क्या, मतलब मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। बट मैं यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी दे दूं कि ये एग्जाम यहाँ पर जरूर निकल सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं पूरे 5 डे का प्रोसेस आपको डिटेल में समझाऊंगा, और मोटा मोटा नहीं, एकदम डिटेल में। आप जितना रिटर्न में कॉन्फिडेंस थे, उतना ही आप एसएसबी में भी कॉन्फिडेंस रखोगे। सारे प्रोसेस, सारी चीजें, कैसे तैयारी करनी, क्या बुक्स, सब बताऊंगा मैं आपको, क्या कुछ होता है ये भी समझाऊंगा। आपको ना आर्म फोर्स पैसे भी देती है एसएसबी आने के, ये भी समझाता हूँ वो पैसे क्यों मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख के सेलेक्ट हो जाओ, तो यार मिठाई खिलाना मत भूलना, मेरा नंबर ये रहा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक बात और, मीन वेल जब तक आप मिठाई नहीं खिलवा पा रहे हो, तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अब यहां से हम आगे चलते हैं। हमने बात कर ली थी भैया इन एंट्री से आपकी एसएसबी होती है। अब एसएसबी होने, आपके एसएसबी का लेटर आएगा, ठीक है, अब वो जब लेटर आएगा तो आप तैयारी करोगे। तैयारी को आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं बच्चे, इसको ना वॉलपेपर बना लेते हैं, ठीक है, या फोन पे चिपका लेते हैं। ये चीजें अच्छी बात है करना, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी उससे पहले कि अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। खाली आप ये मत समझो कि मुझे SSB के लिए ये सारी क्वालिटीज डेवलप करनी है, आप अपनी लाइफ के लिए मान के चलो। और मैं ये खाली है ना ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में डेवलप कर लिया, तो ना तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत है, ना ही किसी बुक्स की जरूरत है। आप ऑटोमेटिकली, कई बच्चे जो जाते हैं बिना तैयारी के, उनका जो सिलेक्शन होता है आपका भी हो जाएगा, सच बता रहा हूं मैं। अब चलिए आगे समझते हैं ये पूरा होता क्या है प्रोसेस में, और ये चीजें डेवलप होंगी कैसे, और ये 5 डे का प्रोसेस होता क्या है। देखिए ध्यान सुनिए, अब आप जब रिटन एग्जाम देकर आते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको एक ऐसा ईमेल आता है, जब आप अपनी एसएसबी डेट्स के बारे में पता रखते हैं कि भैया मेरी एसएसबी की डेट्स आ गई, और आपको एसएसबी बोलता है कि भैया ये वेन्यू, ये टाइम है, इस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। तो हम शुरुआत करते हैं रिपोर्टिंग डे से। रिपोर्टिंग डे मतलब जब आपको एसएसबी में रिपोर्ट करना है, ये डे 0 है। इस डे 0 को हम ऐसे मानते हैं कि इसमें कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, बस वहां पर आपको रिपोर्ट करना है सेंटर पे। देखिए जब भी आप सेंटर पे रिपोर्ट करें, एक दिन पहले करें, और डे बिफोर, जिससे लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी ना हो, इस बात को ध्यान रखिए। कई लोग क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन पहुंचते हैं, गलत तरीका होता है, एग्जाम छूट भी सकता है आपका। ठीक है, अपनी बात ध्यान सुनिए, जब डे 0 में आप पहुंचेंगे, तो आपको रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है, जो भी आपको टाइम दिया है, और आपको एमसीओ पे रिपोर्ट करना होता है, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस कहते हैं एमसीओ, हर रेलवे स्टेशन पे एमसीओ होता है। अब देखिए जब इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है एसएसबी का है कि हमें ट्रक भेज रहे हैं, बस भेज रहे हैं, आपको हम पिकअप करने आएंगे, गेट रेडी, और इसमें आप आ जाना। और ऐसा भी हो सकता है आपसे कहे कि डायरेक्टली एसएसबी में आ जाओ आप, ठीक है, ये टाइमिंग है, इस टाइम पर आपको पहुंचना है, ये ऐसा हो सकता है। जैसा भी आपको एसएसबी बताए वैसे आपको करना है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, जब आपके पास यहां पर कॉल लेटर आता है, तो आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा जाता है कि बच्चे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, ठीक है ना। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, देखिए नॉर्मल आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए होती है। मान लो आप 12th तक जा रहे हो, तो 12th तक का इतना तो चाहिए, और ग्रेजुएशन, ये तीनों डॉक्यूमेंट तो मतलब चाहिए ही चाहिए, बात समझो। बट हर बोर्ड का, जैसे आपका हो सकता है इलाहाबाद बोर्ड आया, हो सकता है आपका गांधीनगर आया, हो सकता है आपका भोपाल बोर्ड आया, हर बोर्ड की अलग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है। और जो आपको कॉल लेटर आया है, उसमें साफ साफ मेंशन होगा कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हर बोर्ड की अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, ठीक है ना, लगभग सेम होती है, पर थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो मेक श्योर जो आपके कॉल लेटर में मंगाया हो, जैसे मंगाया हो, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट उठाओ। वंस आप वहां पर डॉक्यूमेंट की सारी प्रोसेसिंग कर लेते हैं,
अब आपसे पूछा जाता है कि आप ट्रैवलिंग अलाउंस ले लीजिए, अगर आप पहली बार एसएसबी देने आए हैं तो जितना आपका आने का खर्चा था उसका डबल करके हम आपको पैसा दे देंगे, इससे आपके आने जाने का खर्चा निकल जाए। क्लियर है? ये वो पैसे ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी बात हो गई। इसके बाद क्या होता है, वो आपका क्या कहते हैं, चेस्ट नंबर आपको दे देते हैं कि भैया चेस्ट नंबर ले लो, अब आपका एग्जाम हम शुरू कर रहे हैं। अब जैसे ही एग्जाम शुरू होता है तो यहाँ पर आपकी ना दो दो टाइप से रिपोर्टिंग होती है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक रिपोर्टिंग आपकी होती है सेम डे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पहुंचे 6 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, ठीक है ना, 6 6 AM, तो आपका 10 बजे तक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हो सकता है कि आप पहुंचे करीबन 2 बजे 2 PM पे, ठीक है, तो आपका जो टेस्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे होगा, कि अगले दिन अब आपकी हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, पहले तो आपको आराम आराम करा देंगे आराम से। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही आप यहां पर आएंगे आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, आपसे कहा जाएगा पीपीटी और ओआईआर टेस्ट हो रहा है, जो कि हम स्टेज वन पे लेते हैं, मतलब डे वन। अब यहां से डे वन शुरू हो गया, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, यहां से आपकी कहानी बहुत शुरू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे वन यहां से शुरू हो गया। नाउ डे वन जब आपका शुरू होता है तो यहां पर वो कहते हैं कि आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो उसको आप प्लीज बैग में रख के आ जाओ, ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब वो रखने के बाद आपसे कहा जाएगा कि पहले हम आपका ओआईआर टेस्ट लेंगे, जिसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, और उसके बाद हम पीपीटी लेंगे। फिर वो क्या करते हैं, ओआईआर लेने पे वो आपको ना एक सूबेदार साहब आएंगे, ठीक है ना, सूबेदार साहब आपको ब्रीफ करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप के देंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप के देगा, भैया ऐसे क्वेश्चन आया है, डोंट वरी, इसे घबराइएगा मत, बहुत आसान पेपर होता है, हद आसान होता है, हर बच्चा कर लेता है। प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले आप समझिए होता क्या है एक्चुअल में। वहां पर एक सूबेदार साहब आएंगे, वो सूबेदार साहब आपसे कहेंगे कि बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे कैसे, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक ही बार बोलूंगा, और वो एक ही बार ही बोलते हैं, और फिर वो आपको बताएंगे एक सैंपल एग्जाम्पल में बताएंगे, देखो एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको पेपर देंगे और वो पेपर आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? अब ये वाला प्रोसेसर सूबेदार वाला हो भी सकता है और नहीं भी, कई सेंटर्स में होता है, बात ध्यान सुनिएगा, कई सेंटर पर सूबेदार आके बताते हैं कि देखो बच्चे ओआईआर ऐसे होगा, सब कुछ ऐसे तैयार करना है, ठीक है। और आपको एक बात समझनी है कि जो यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं ना वो होते हैं वर्बल रीजनिंग के और नॉन वर्बल रीजनिंग के। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यहाँ पर आपका ना ऐसा हो सकता है कि आपका जो टेस्ट पेपर उसमें 30 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है। अगर 30 क्वेश्चन है तो आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट, और अगर आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आए तो आपको टाइम मिलेगा 25 मिनट, मतलब आधा टाइम मिलता है। मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में, पेपर बहुत आसान है, ये वाला जो पेपर है ये बहुत आसान है, तभी तो आपको टाइम आधा दिया है, तभी आपको टाइम आधा दिया। अब जरा यहां पर देखिए, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, ये लोग ओआईआर टेस्ट ही दे रहे हैं और ये एकदम क्लोजली पैक्ड है, पर इनको चीटिंग करने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पेपर बहुत आसान होता है और टाइम की पंगा होता है, तो आपको बहुत तेजी से करना होता है। ये पूरा का पूरा टेस्ट OMR में लिया जाता है, मतलब MCQ फॉर्मेट में आपका लिया जाता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ रही बात? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। एक बात और आपको समझनी है, देखिए क्वेश्चन 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से घर बैठ के, तो आपको ये याद रखना है कि मान लो 20 क्वेश्चन आए तो टाइम मिलेगा 10 मिनट, 50 क्वेश्चन आए तो मिलेगा 25 मिनट, और 30 क्वेश्चन आए तो मिलेगा 15 मिनट। क्लियर है? और दो पेपर मिलते हैं, पेपर वन और पेपर टू, तो आपको दोनों फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अगर आपको लगे कि मुझे OIR चाहिए तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर देना OIR, और आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अब यहां से हम आगे चलते हैं, एकदम क्लियर कट समझ में आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां तक जब आप समझ गए तो आपका फिर दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं PPNDT। PPNDT में क्या होता है, एक बड़े से प्रोजेक्टर पे आपको धुंधली सी फोटो दिखाई देगी, जिसमें आपको क्लियर नहीं होगा कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट आपको रफली आइडिया मिल जाएगा कि हाँ बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ओपन एरिया है, रफली पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब उस पर आपको लिखनी होती है स्टोरी, पर स्टोरी लिखने से पहले आपको दिया जाता है 30 सेकेंड्स का टाइम की देख लो अच्छे से फोटो क्या है, और उसके बाद देते हैं 4 मिनट करीबन आपको लिखने के लिए। जब इतना हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, आपका कराया जाता है GD। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपकी नजर आप एकदम स्क्रीन पर टिके रहनी चाहिए। यहां पर आपको याद है तीन ऑफिसर मैंने आपको बताए थे, एक होता है इंटरविंग ऑफिसर, एक होता है GTO ऑफिसर, और एक होता है साइकोलॉजिकल ऑफिसर। ये तीनों ऑफिसर इनको जज कर रहे होते हैं, और यहां पर बैठने वालों की जो संख्या होती है ना, ये 15 से 20 बच्चे होती है,
हमेशा याद रखिए, काफी ज्यादा भीड़ होती है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि कई बार जीडी में बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं आपको दिखाता हूँ जीडी कैसे होती है। तो अभी आपको समझ में आया होगा, एक रफ आइडिया मिला होगा जीडी हो कैसे होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, तो समझ नहीं आता कि मैं अपनी बात रखूं कैसे। अब एक और बात है जो आपको बहुत समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्टली जीडी स्टार्ट नहीं होता, पहले होता है नरेशन। नरेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। नरेशन में क्या होता है, पहले आपको ये फोटो दिखाई जाती है, फोटो में आपने स्टोरी लिखी, उस स्टोरी को आप याद करते हो। याद करने के बाद एक एक बच्चा यहाँ पर उस स्टोरी को बोलता है, और जैसे ही आखिरी बच्चा अपनी स्टोरी खत्म करता है, जीडी यहां से शुरू हो जाता है। और जीडी में जो डिस्कशन होता है वो होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया था, भयानक, कि किसी की बात को समझ नहीं आ रही होती, और उसे टर्मिनोलॉजी से बोलते हैं फिश मार्केट। और फिश मार्केट में मैंने आपको क्या बताया है कि वहां पर आपके साथ क्या होता है, कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, जो आपसे लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब आगे समझते हैं, अब वहां पर क्या होता है ना, जीडी में अपनी बात रखने के लिए लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि बोलने का मौका मिल नहीं रहा होता, बहुत कम चांस मिलना होता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स मिलने होते हैं बोलने के लिए, तो लोग गुस्से में बोलने लगते हैं, लिटरली लोग चिल्लाने लगते हैं वहां पर। ठीक है, अब एग्रेसिव नहीं होना, आपको असर्टिव होना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो मान लेते हैं कि जीडी आपका अच्छे से नहीं गया तो क्या होगा, मैं समझाता हूँ। अब देखिए तीन ऑफिसर होते हैं, साइक, आईओ और जीटीओ। तीनों पे ना तीन पावर होती है, नो, डाउट एंड यस। यस मतलब बंदा 100% सिलेक्टेड है, डाउट मतलब 50-50, एंड नो मतलब ये बंदा घर जा रहा है वापस, इसको सिलेक्ट नहीं करा गया। अब आपको ये वाला चार्ट समझना है, ये क्या कह रहा है। अब क्या होगा, यहां पर मान लीजिए यहां पर लिखा है एन, ठीक है, और एक बच्चा है उसको मिले ओआईआर में 1, मतलब बहुत अच्छे नंबर है। एक बच्चा है जिसको ओआईआर मिले 5, जो कि बहुत ही खराब नंबर है, और यहां पर तीनों असेसर ने उसे यस 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 बोला है। तो बताओ सिलेक्ट कौन सा होगा, ये वाला बच्चा या ये वाला बच्चा। सिलेक्ट होगा ये वाला कैंडिडेट 5, क्योंकि यहां पर आपके पास समझनी है कि पीपीएनडीटी की वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ओआईआर। वेटेज है ओआईआर की पर कम है एज कंपेयर टू पीपीटी। मैं दोबारा बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन तीनों ऑफिसर पे ज्यादा पावर है, कि अगर बच्चा इस वाले टेस्ट में बहुत ही कम परफॉर्म करता है, लो परफॉर्म करता है, तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। कई बार आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी कि ओआईआर तो अच्छा गया नहीं और बच्चे का सिलेक्शन हो गया। ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि बच्चे का जो एमसीक्यू था ना, उसमें उसने ऑप्शन ही गलत मार्क कर दिए थे, और फिर भी उसका स्टेज 1 क्लियर हो गया। ये कहानी आपको बहुत सुनने को मिलेंगी अगर जब आप एसएसबी जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पीपीडीटी पे बहुत ज्यादा फोकस करो। अभी आप समझ गए पीपीडीटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ एग्रेसिव पे और असर्टिवनेस पे। एग्रेसिव मतलब तो लिटरली मैं कहता हूँ जीडी में जो चिल्लाता है उसी को हम एग्रेसिवनेस कहते हैं। असर्टिवनेस को समझना बहुत मुश्किल है। असर्टिवनेस एक ऐसा आदमी जो अपनी बात को फर्मली बोल रहा हो, ठीक है, क्लियरली बोल रहा हो, उसकी बात समझ में आ रही हो, और तीसरी उसके बात में लॉजिक भी होना चाहिए, इसको हम असर्टिवनेस कहते हैं। अभी भी मुझे लगता नहीं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपकी मदद करने के लिए ना एक इंसान को इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो है एसएसबी कोलकाता के फाउंडर कमांडर विकास यादव। अगर आप इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं जो मैंने अभी कही है, एसएसबी कोलकाता के फाउंडर, इसका मतलब है कि ये बाप आदमी है, मतलब लिटरली, ठीक है ना, मतलब ही इज अ वेरी नॉलेजेबल गाय। बाप आदमी इन द सेंस मतलब बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल गाय है। इनका ये जो अचीवमेंट है कि इन्होंने एसएसबी बोर्ड फाउंड किया है, ये इनको इस स्किल में एसएसबी में मास्टर दिखाता है। क्लियर है? अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो अभी आप फुटेज देखने वाले हो थोड़ी देर में, वो उनके इंस्टीट्यूट की है, एलडब्ल्यूएस इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। अब एलडब्ल्यूएस इंस्टीट्यूट में मैं जाकर इनके पूरे इंस्टीट्यूट का रिकॉर्डिंग करी है, जिससे एसएसबी का एग्जैक्ट जो लुक है, एसएसबी एग्जैक्टली होता कैसे है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो यहाँ पर कमांडर विकास और सुमित सर एलडब्ल्यूएस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, ये दिल्ली में है, ठीक है। अब जब मैं कमांडर विकास सर को प्रेजेंट करूंगा ना, तो वो दो दो फेज आपको दिखाएंगे। कमांडर विकास सर खुद एक विलेज बॉय थे, ठीक है, और वहां से कमांडर बने, तो ये अपनी जर्नी से जो उन्होंने लेसन लिए है वो, प्लस एसएसबी के जो फाउंडर रह चुके हैं उसका एक्सपीरियंस ये आपको बता रहे हैं कि भैया आपको एग्रेसिव नहीं असर्टिव कैसे होना है। तो अभी हम सर की बात सुनेंगे, पर मैं एक बात तो बता दूं,
सर, कमांडर विकास सर और सुमित सर बहुत ही हम्बल गाय हैं। मतलब मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो स्टूडेंट की सक्सेस में बिलीव रखते हो। तो अगर आपको ना इनसे बात करना हो ना, आप ये नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हो, और हो सके तो यार दिल्ली में ही है ये, इनके पास जाइए और इनसे अगर आपको कोई ट्रेनिंग में कोई मदद चाहिए, SSB में कोई मदद चाहिए, आप जाके इनके इंस्टीट्यूट से लो। मतलब कमांडर विकास सर तो इनकी नॉलेज को हैट्स ऑफ है मेरा, मतलब सलाम करने का मन करता है। इतनी क्लियर सॉलिड नॉलेज और इतनी आसान भाषा में समझा देते हैं, मजा आ जाता है। चलिए मैं आपकी कमांडर विकास सर से मुलाकात कराता हूँ। एग्रेसिव वर्सेस असर्टिवनेस को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। Being a GDO, you have a lot of experience where people, मतलब बच्चे बोल ही नहीं पाते, मतलब साइक से शिकायत नहीं होगी, उनको नरेशन से शिकायत नहीं होगी। GTO में जो GD होता है ना, जो स्क्रीनिंग के टाइम में होता है, उससे शिकायत सभी को होती है, यार मैं बोल नहीं पाया, भसड़ बहुत हो गई, ग्रुप ऐसा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। बट आई थिंक GD इज इनएविटेबल पार्ट, उसे हटा नहीं सकते। तो अभी उसमें बोले कैसे सर? एक्चुअली क्या होता है, स्टेज वन के लिए ना आपको प्रिपरेशन इतना बहुत ज़्यादा ऐसे अलग से नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सबसे सबको पता है कि द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज़ द स्क्रीनिंग। आउट ऑफ ऑलमोस्ट यू नो 70 to 80% बच्चे, मोर देन दिस एट टाइम 90% कैंडिडेट्स जस्ट गॉट आउट फ्रॉम द स्टेज वन ओनली। सो अगर आपको वहाँ पे करना है ना, तो दो तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको नरेशन बहुत अच्छा करना है, डन। वन इज नरेशन, द वन नरेशन इज डन एंड यू हैव सीन एक्चुअली पिक्चर क्वाइट इन डिटेल, तब आप वहाँ पे थोड़ा लॉजिकल बोलोगे। आपको कम से कम उस GD में कुछ और नहीं तो ये तो बताओ आपने व्हाई डिड यू चूज दिस स्टोरी, राइट? कि मेरे को ये स्टोरी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे को ऐसा दिखाई दिया, ऐसा इसलिए लगा, दैट्स व्हाई आई मेड दिस स्टोरी, एंड व्हाई योर स्टोरी टू बी सेलेक्टेड। आप दो तीन बार बोलोगे मोर देन एनफ है। कई बार लोगों को लगता है बहुत क्योस मच गया, फिश मार्केट हो गया, ये हो गया, अब इससे कैसे बाहर निकलना है, इससे कुछ इस ऐसे ट्रैप में फंसना ही नहीं है। आप देखोगे कभी भी मैक्सिमम 1 मिनट और मे 1.5 मिनट, 2 मिनट से ऊपर कभी वो क्योस जाएगा नहीं, वो अपना आप डाउन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो एज एन असेसर वो इंटरफेयर करेगा और बोलेगा कि आप इसको भाई आई मीन इधर वो डिवाइड द ग्रुप इंटू टू और विल स्टॉप द क्योस। एक बार लोगों को टोक देगा बच्चों को कि बेटा डोंट मेक इट अ फिश मार्केट, यू आर नॉट सम यू नो होलीगन्स और समथिंग, यू नो थिंग्स बीन डन बाय द GDO, बट द होल प्रॉब्लम इज फिर बच्चे बोल नहीं पाते। फिश मार्केट तब भी होता है एट द हाइएस्ट पीक ऑफ इट। तो कई लोगों ने एक धारणा बन गई है कि साइक अच्छा हो गया, नरेशन अच्छा हो गया, कई बार तो सिलेक्शन इसी होता है। भोपाल बोर्ड में तो सिलेक्शन साइक और नरेशन पर ही हो जाता है, ओ यार वहाँ पर चेक हो जाती है इसलिए हो जाता है। GD भाई होता ही नहीं, काउंट ही नहीं होता, क्योंकि वो इतनी GD तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट देखो सबसे जरूरी आपका पूरा का पूरा एक पार्ट है, इट इज़ आपका परफॉर्मेंस सिर्फ उस PPDT के GD पे ही नहीं डिपेंड नहीं है, डिस्कशन पे या उस नरेशन पे ही नहीं है, वो पूरे फॉर्मेट पे है। आपका थीम है, स्टोरी लाइन कैसा है, आपने नरेट कैसे किया और फिर आपने डिस्कशन कैसे किया। और आप ये देखो पूरे ग्रुप को अगर 5 मिनट भी मिल रहा है और आपको मुश्किल 30 सेकेंड भी अगर आप बोल पाए, जनरली आपका हो जाना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहे 2 मिनट लो तभी भी नहीं हो सकता। डिपेंड्स नॉट कि हाउ मच यू स्पीक, इट डिपेंड अप कि वट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर ब्रिंगिंग इट। अगर आप उस कंटेंट वाइज अगर यू आर रिच, आई मीन द वे यू टेलिंग वो सही है, तो लोग सुनेंगे भी और आई मीन वो एक फोकस आएगा आएगा। या फिर जब पूरा बहस हो रहा है उसमें थोड़े थोड़े गैप्स आते हैं, यू विल फाइंड देर इज नॉट अ एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि तो कंटिन्यूस चलेगा, उस छोटे गैप में आपको अपना पॉइंट देना है, एंड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। अगर इतना शोर मच रहा आपका भी टास्क है, टेल एवरी वन प्लीज जेंटलमैन आई मीन वी आर नॉट एबल टू लिसन, और लेडीज वी आर नॉट एबल टू लिसन, लेट्स स्पीक 1 by 1 एंड देन उस माइनर गैप पे अपने पॉइंट देने हैं। ठीक है सर, मैं आपकी सारी बात समझ गया, बट वो जो गैप है ना, अच्छा कभी गैप को छोड़िए, गैप में लाइन ही मैं कहता हूँ, कभी ऐसा हो सकता है कि आप GD को काउंट ही ना करो पूरे स्क्रीनिंग में? GD तो काउंट हो गए होगा, ऐसे तो नहीं होगी बिना GD। बोलते हैं सर इतनी फिश मार्केट होगी, कहाँ ही काउंट हो रहा है? सुनते हैं वो इतना हाथ पड़ गया इतने साल से करते करते कि उस फिश मार्केट में भी ना वो सारे पॉइंट सुन रहा होता है, और ये भी सुन रहा होता है कि ये बच्चे का जो पॉइंट है वो लॉजिकल है कि नहीं है, और इसको बाकी लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। लास्ट थिंग, वन थिंग, आई थिंक GD इज द बेस्ट पर्सन टू टेल, एग्रेसिवनेस और एक असर्टिवनेस में क्या फर्क है? लाइक व्हाट हैपेंड, सो जब मैं बड़ा लाइक दिस इज द हाई स्पीड टोन, हाँ, और एक इंसान आराम से बोलता है, जेंटलमैन व्हाट आई लाइक टू से दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, तो आपको कौन सा समझ में आता है? अभी जो आराम से बोलेगा वो ये जो एक थोड़ा फास्ट बोल रहा है उसका एंग्जाइटी लेवल दिखता है बच्चे का, कि बहुत एंग्जाइटी है उसको, बहुत डर है कि मैं शायद ना कर पाऊँ या मेरे को कोई सुन नहीं पाएगा, उसमें भी वो इज अ रीज़न। आप आराम से बोलिए, हाँ पिच को उस लेवल पर रखना, इतना पिच की हम बात नहीं करेंगे, पिच को इतना कम भी नहीं करना है कि किसी को सुनाई ना दे, और इतना हाई भी नहीं करना है कि आप ऐसे लगे कि चिल्ला रहे हो, एक नॉर्मल पिच मेंटेन करो एंड देन स्पीक।
मुझे एक बात और सुनने मिली है, स्क्रीनिंग इज लाइक जीडियो साहब सारा सा साहब मशीन गन लेके बैठा, तू गलती कर धाड़, वो बच गया, ये सही है, आगे गया, व्हाट इज लाइक? देखो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आपको 5 दिन के लिए बच्चा वहाँ पे रोकना है। आप ऐसा बच्चा नहीं लेना चाहोगे आगे परफॉर्म ही ना करे, बात ही ना करे, या अगर क्योस मच रहा उसको हैंडल करना ना है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा है। एंड देन जब आपके पास यू नो इतना सारा ऑप्शंस है, आपके पास 300 बच्चा है, 200 बच्चा है, 150 बच्चा है, तो आप क्यों, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट आप लोगे, तो मतलब वो मशीन गन फायर हो जाती है, मशीन गन तो नहीं है। आपको देखो नर्वस नहीं होना है, कुछ भी सिचुएशन है आपको नरेट अपना कॉन्फिडेंटली करना है, अपना प्रैक्टिस करना है। एंड मैं कुछ टिप्स ही बोलता हूँ बच्चों को, बताते रहता हूँ कि वो जो आपको टाइम मिलता है ना, जब आपको ओयर टेस्ट होता है और आप जब आपका एक्चुअल पीपीटी के लिए जाते हो उसके बीच, या फिर जब आपका स्टोरी दिखा दिया, आपने लिखा आपका ले लिया, फिर आप बाहर जाओगे, आपके जब स्टोरी शीट कलेक्ट होगी यू गो आउटसाइड, अगर आपका फर्स्ट बैच भी है ना बुलाने के लिए, तभी भी आपको मिनिमम 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, आप उसमें अपना प्रैक्टिस करो, उसमें 4-5 बार बोलने का प्रैक्टिस करो, तो जब आप आओगे बहुत कॉन्फिडेंटली नरेट करोगे। लेकिन जीडी आपका तब काम आएगा ये जब आपका नरेशन अच्छा है, ये नहीं होगा कि नरेशन तो आपने ढंग से किया नहीं और जीडी में बहुत सारे पॉइंट बोल दिए, कुछ मतलब नरेशन इज द रूट और नरेशन में कॉन्फिडेंस रहा तो बोलने के लिए कुछ बचेगा। यस देन यू जस्ट दैट्स हाउ इट बीन सर। अगर मैं यहाँ पर सर के वर्ड्स का कंक्लूजन निकालूं तो सर ने सिंपल इतना कहा कि देखो स्टोरी एक तो अच्छी बनाओ, ठीक है, अच्छी मतलब तुमको प्रॉपर पता हो भैया मेरी स्टोरी में मुझे अब कॉन्फिडेंस है, क्या बढ़िया बनाई है मैंने, उसके बाद उसका नरेशन बढ़िया से करो कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, तो आपके पास ना कॉन्फिडेंस होगा जीडी में मुझे बोलना क्या है। समझ में आ रही आपको मेरी बात, कि अगर यहां पर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ठीक हुआ तभी ही थर्ड स्टेप कॉन्फिडेंस इन जीडी ठीक हो पाएगा, ये है बात। और मैंने सर के साथ एक पूरा इंटरव्यू लिया है उनकी इस लाइफ के बारे में, जब वो एक छोटे से बच्चे थे, गांव के बच्चे थे, तब से उनकी जर्नी कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुई है, तो ये इंटरव्यू जरूर देखना, आपको ना बहुत इंसाइट मिलेगी कि कोई भी इंसान SSB निकाल सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भूलना मत। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा यार बड़े टेस्ट हो रहे हैं यार, थोड़ा आराम करने देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल आराम करने देंगे बच्चे, फिर वो आपसे कहेंगे भैया आपने दे दिया अपना टेस्ट वेस्ट, तो एक काम करो आप स्टूडेंट्स मैथ्स में जाओ और वहां पर जाके प्रॉपर खाना खाओ, थाली फॉर्मेट में खाना खाओ, वो आपको खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, और उसके बाद आपसे कहेंगे जिन्होंने स्टेज 1 क्लियर नहीं किया है वो आप घर जाए, ठीक है, स्टेज 2 वाले ही रुकेंगे, बाकी सारे बच्चे घर जाए। तो ऐसे बच्चे आपको बाहर निकलते हुए देखेंगे, ये आपका सिलेक्शन बोर्ड हो गया, फिर वहां से आपको खुद ही जुगाड़ करके घर जाना पड़ेगा, ठीक। जब आप घर जाएंगे तो अब आपकी कहानी यहाँ तो एंड हो गई अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, पर जिनकी कहानी यहाँ पर सेलेक्ट होगी मतलब आगे बढ़ने की, वो करीबन 10% से लेके 30% लोग होंगे। मैं समझानी मैं बताता हूँ, स्टेज 1 में आने वालों की संख्या करीबन 200 होती है और वो घट घटा के 10% बच्चे बचते हैं या 30%, ठीक है, हो सकता है खाली 20 बच्चे बचे और हो सकता है खाली 35 के आसपास बच्चे बचे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम रेंज इतनी होती है, कभी कभार बहुत रेयर केस में 35 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत ही रेयर केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेज 2 यहाँ से शुरू हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर अब जब स्टेज शुरू होगा उससे पहले ना आपको कहा जाएगा एक फॉर्म भरो, इसे हम कहते हैं PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक बार ना किसी बच्चे से इंटरव्यू में पूछ लिया था, बताओ आपने PIQ फॉर्म भरा था उसकी फुल फॉर्म क्या है, और उस बच्चे ने पूरा फॉर्म भर दिया। ये फॉर्म एक्चुअली 2 होते हैं, डिट्टो फोटोकॉपी होते हैं, दोनों भरने होते हैं, पर बच्चे को ये नहीं पता था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो भैया ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसने तो ऐसे ही मूड रिफ्रेश करने के लिए पूछ लिया था स्टूडेंट से कि ये क्या पता उसे पता हो, ऐसी थोड़ी कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी, पर बच्चे को बाई चांस पता नहीं था, हॉन्ट करने के लिए नहीं, आपको बस ऐसे ही पूछ लिया था उसने। खैर, जब आप PIQ फॉर्म भरेंगे, मैं PIQ फॉर्म पर आता हूँ, तो ये आपको फॉर्म बहुत केयरफुली भरना है, क्योंकि इसी पे आपकी पूरी SSB अगले 5 दिन होगी। इसकी मैंने एक कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है ना, आप ओरिजिनल एकदम डिट्टो जो SSB में आता है वैसे ही आपको PIQ फॉर्म दे दिया है, वो आप एक बार भर लेना, ठीक है। इसके बाद आपके जो होता है वो डे 2 में सबसे पहले टेस्ट होता है साइक टेस्ट। देखिए टेस्ट होते हैं, इनकी फुल फॉर्म मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, बट आप ये समझिए टेट वेट SRT SD, ये साइक टेस्ट होता है, ये पूरे 1 डे चलता है और इसमें बच्चा पूरी तरह से एग्जॉस्ट होता है, थक जाता है दिमाग आपका, क्योंकि लंबा टेस्ट होता है काफी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल रेडी बैठे यहाँ पर साइक टेस्ट देने के लिए, ठीक, ये डे 2 होता है। अब हमारा है डे 2 एंड डे 3। डे 2 डे 3 से ही आपके ना पर्सनल इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में आप एक बार नोटिस करोगे, इस कैंडिडेट का इंटरव्यू हो रहा है, जरा इस टेबल से इसकी दूरी देखो काफी ज्यादा है, देख पा रहे हो, ये इसलिए है कि जिससे असेसर देख सके भैया इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या ये घबरा तो नहीं रहा, टेंस तो नहीं हो रहा,
उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है एक असेसर को, ठीक है। अब आपको ये बात समझनी है कि हमारे पास तीन टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं। एक होता है जिसके पास इंग्लिश कमजोर है, बहुत आप हो सकता है आप भी हो, आपकी इंग्लिश कमजोर हो। दूसरा है एक लो एनर्जी लेवल, जिसके ना बोलने में ऐसा लग रहा हो कि यार बड़ा ही नेगेटिव एटीट्यूड वाला बनता है। और तीसरा होते हैं गर्ल्स कैंडिडेट्स हमारे साथ। अब पहले बॉयज हुआ करते थे खाली एनडीए में, अब गर्ल्स भी आ गई, तो उनके थोड़े क्वेश्चंस अलग होते हैं। हम पहले ना गर्ल कैंडिडेट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम रिवर्स ऑर्डर में इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अभी ये जो सर हैं ये एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे और पहले कैंडिडेट होगी हमारे सामने ये लड़की। चेस्ट नंबर 13, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? सर, प्रोनाउंसिएशन ऑफ माय नेम इज इकनूर। इकनूर? यस सर। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इट मींस एक्चुअली? सर, लिटरली इट मींस, एक मींस वन एंड नूर मींस डायमंड, सो लिटरली इट मींस अ डायमंड। Quite interesting and beautiful name. Thank you, sir. All right. So what I wanted to know is, you might be knowing that, you know, female candidates were not allowed in NDA recently. Yes, sir. So what's your personal opinion, being a female or a girl aspirant yourself, that do you think that females can also perform, you know, at par with their male counterparts? And as far as a prestigious academy, tri-services academy like National Defence Academy is concerned, which has such a rich heritage and history? Yes, sir. I feel females can also perform, but just they need, what they need is the opportunity. So the opportunity we have got now, it's 1 year, and some females have also gone in the academy. A batch has already started and they are like, trying is the best thing, but we can do our by ourselves. We can give our 100%, and yes, if we give our 100%, then result obviously comes. So in your personal case, what do you see as the prime reason of this motivation, or I'd say aspiration, to join forces as an officer, and that too specifically through NDA entry? So basically, my grandfather was a means in police. So like I was just 2.5 years old when he died. So I don't know much about it, but I just feel that this is the very prestigious job, and it's very proud moment to wear the uniform. So I just want to feel that. And you asked a question ki, Why do you want to join NDA? NDA में पहले गर्ल्स नहीं थी, क्या सच में गर्ल्स की जरूरत है NDA में, या गर्ल्स को सच में ट्रेनिंग इम्पार्ट हो सकती है? What is such a relevant question? UPSC ने बोल दिया, मोदी ने एक बार लाल किले से बोल दिया, Why does need to be asked again? All right. First of all, you must be knowing that I am an ex-NDA myself. Yes. 107. Oh, Lima Squadron, the yeah, proud lion. Proud lion. Yes. Lima Squadron, obviously. So, coming back to the point, like our times, we even have not dreamt ki such a golden day will come when the female candidates will also be, you know, authorized to take training or allowed to take training in one of the most elite training academies in the world, which is National Defence Academy. So as a person, I am very happy about that, correct? But if you talk about the interview question and why I asked it to a girl candidate, is out there I am a professional, I am an interviewer, and I am trying to know the exact reason of the motivation to join forces as an officer, because in case of female candidates, many a times I have seen or experienced that their whole answer revolves around just one reason, and that reason is element of feminism. कि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे को प्रूफ करना है कि मैं कर सकती हूँ, बट आई फील दैट दिस इज मोर ऑफ अ सेल्फ मेड परसेप्शन। अगर ऐसा होता तो आपके पेरेंट्स ने आपको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देती कि आप जाओ ट्रेन हो, आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है। सो सच काइंड ऑफ रीजंस, अगर एक सच में कोई डिस्क्रिमिनेटेड एक समाज से आता है, रूरल किसी एरिया से आता है, तो थोड़ा रिलेवेंट लगता है, बट यू आर हैविंग एवरीथिंग, देन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ सिंपथी और लिवरेज जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, it is not good, because in forces after all you have to, you know, deliver the same duties as far as at par your male counterparts. Okay, so you just asking them, we want a human being who just eagerly want to join NDA with a motivation, right? That's it, internal self motivation, and there may be many many reasons for that, but not just because I am a female, because no male might have, you know, gone to her house and told her ki aap ladki ho, aap NDA nahi join kar sakte. Okay,
बट सो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? आई थिंक मेनी वुमेन्स फील कि उनका पोटेंशियल मेल के इक्वल नहीं है. क्या आप ये चेक करने के लिए सवाल नहीं करते? सर्टेनली नॉट. मैं ये कभी चेक करने के लिए सवाल नहीं करता, लेकिन बीइंग अ मैच्योर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई वुड से दैट ट्रीटिंग बोथ द जेंडर इक्वली मींस एक्चुअल इक्वली मींस कई सोचते हैं कि मैं मेल से बेटर हूं, कई सोचती हैं मैं मेल से इंफीरियर हूं. ये दोनों ही अप्रोचेस गलत. बेसिकली यू आर ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव इक्वल इक्विलिब्रियम. इक्वल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन, योर डेडिकेशन, योर लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट. सिंपल एज दैट. ओके, दैट्स ग्रेट सर. नाउ आवर व्यूअर्स गोइंग आर वाचिंग राइट नाउ अ गुजराती बॉय. ऑलराइट, वो अभी एंड रूम में बैठा ही है और आप उससे चिटचैट कर रहे हैं, बट अभी जब वो सुनेंगे ना तो उनको महसूस होगा कि उसकी कम्युनिकेशन में इंग्लिश की बहुत बड़ी कमी है. यू आर करेक्ट. चेस्ट नंबर 64, प्रीत जानी, आई सी दैट यू कम फ्रॉम गुजरात, राइट? यस सर. आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग सम मोर अबाउट द प्लेस यू बिलोंग टू, अबाउट योर एकेडमिक्स एंड योर हॉबीज. सर माय हॉबी इज आई लव क्यूबिंग, रूबिक्स क्यूब सॉल्व इन 1 मिनट्स, एंड I play better volleyball, and my academics area is I am businessman family. Any speciality of the place you come from? Gujarat has such a rich heritage, if I am correct. Yes, sir. My I will come from Gujarat. Gujarat is a businessman hub from India. Many businessmen in Gujarat. Jaise Mukesh Bhai Ambani, Adanis, etc. और जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल आते हैं ना, वो कहने के लिए इंग्लिश मीडियम है, बट इंग्लिश सिखाई नहीं जाती बोलनी. सिर्फ लिख लेंगे, शायद बोल देंगे, पर खुद के नाम पे जब कम्युनिकेशन आती है दे फेल. तो इज इट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ इंग्लिश ओवर देयर? क्योंकि सुना तो देखा गया है कि कुछ बच्चे हिंदी में देकर आए और हो गया है. ये क्या है, मतलब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आज तक है, जबकि 100 वीडियो मैं बना चुका हूं सर. Well, there is no official language of SSB. That is very correct. But can you deny the fact that the most used language globally is English, and it is such a language which can connect you to people who are coming from even other backgrounds, especially in India only, more than 22 scheduled languages are there, right? So how do you expect to communicate with them if you don't have a common language, which is English in this case, correct? As far as the school point which you have raised, you are very correct at your place. Unfortunately, many schools proclaim that they are English medium, many use words like international, just to make some money out of it, maybe a propaganda kind of message, but they don't have able instructors inside, and training is not just theoretical, okay? It should be a practice in day-to-day life. So that is one of the reason that maybe few people, especially if they are from English, so-called English medium schools, lack on this particular skills. Okay, but kya main ye keh sakta hun, English is the language of armed forces. You been in NDA. Right. What do you use over there? To be honest, generally, we communicate in English. The reason being, as an officer, tomorrow you are expected to represent your country even at international platforms. UN peacekeeping force is one of the prime examples of it. So obviously, if you stand there, you don't stand just alone. You are representing your country, and it is expected that you can communicate to your counterparts from other countries as well. Okay. Now, अभी ये सुनने जा रहे हैं उस गुजराती लड़के को जो पहले इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा था और अभी वो हिंदी में बोल रहा है. तो बहुत सही बोल रहा है. If you are not that comfortable in English, you may fall back to Hindi, but then again, please fall back to English as soon as possible. Okay, sir. So please reply. जैसे कि मैं गुजरात से आता हूँ तो वहाँ पे वो पूरे बिजनेसमैन का एरिया है. वहाँ के फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं तब से उसको सिखाया जाता है कि आपको बड़े होके बिजनेस करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है. हमारे यहाँ से कोई आर्म फोर्सेस में नहीं जाता, प्राइवेट नौकरी नहीं करता. हमारे पूरे गुजरात में से सारे बच्चे 95% बच्चे आगे जाके खुद का बिजनेस ही करते हैं. जैसे कि वो धीरू भाई अंबानी, उसका बेटा मुकेश भाई अंबानी, अदानी, एक्सेट्रा. सर नाउ आई लाइक टू नो दिस आंसर इन इंग्लिश दैट
as you said that from Gujarat, maximum people are aspiring to be big businessmen. Then what made you think that you would join armed forces as an officer? Yes, sir. I protect my country and I love my country. I protect my country. Now, sir, मेरे हिसाब से ऐसा होता है कई बार first interview is a very small time. अपने आप को present करने का मौका नहीं मिलता. और अगर मैंने कुछ बोला और वो गलत निकल गया, इंटरव्यू ने कुछ गलत समझ लिया, पूरा इंटरव्यू बदल गया. Absolutely right. So, मेरे को आप इमीडिएट सॉल्यूशन बता दीजिए कि 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल ये इंग्लिश सीखी भी जा सकती है, कि ये पूरा मम्मी पापा को भी आनी चाहिए, भाई को भी आनी चाहिए, एनवायरमेंट पूरा होना चाहिए, क्या? In my opinion, anything is possible if you have a plan for it, and English is no exception. Correct? In today's world, there are enough number of platforms available. ठीक है, अब वो excuse देने का भी जमाना चला गया, because everything doesn't need money. अगर कोई बोलता है I come from a economical backward background, then also that reason is not evident these days. Correct? Newspaper, how much does this cost? 3 rupees, but is a very comprehensive source and medium to improve your English, in my personal opinion. Correct? Okay, that's great. Now, this is a very important part which I'm going to take it. ये हमने communication ली, जो कि एक verbal skill थी. वो clear नहीं है, interview आगे ढंग से नहीं जा सकता. But there is something called non-verbal communication. मतलब इंसान बोल नहीं रहा है, उसने अपने मुंह से कुछ बोला नहीं है, कुछ साइन बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, पर जैसे ही वो एंटर कर रहा है, जैसे मूव कर रहा है, वो बैठ रहा है, वो बहुत कुछ बोल दे रहा है. दिस गाय राइट नाउ इज वॉकिंग इनटू द एंटरिंग रूम, अभी देख पा रहा है वो. नाउ व्हाट इज द फॉल्ट इन दैट? What is the problem in that? Not fault, exactly. Problem क्या है उसमें? Basically, before coming to that, एक बहुत normal question होता है और ये बहुत genuine भी लगता है बच्चों के side से. Sir, GTO में इतने सारे task कराए, हमें यहाँ से कुदाया, यहाँ से you know फानना पड़ा, और psychology में इतने सारे हमसे you know पर्चे भरवाए, stories बनवाई, pictures दिखाए, sentences बनाई, situations से react कराया, और interview जो कि comfortable environment में एक cozy environment में 1-to-1 interaction है, ranging from anywhere from 20 minutes, 1 hour, 40 minutes, depends upon the candidate, obviously. तो आखिर इसका weightage equal कैसे हो सकता है? Obviously, ideally it should have been, you know, like 40-40-20, but यहाँ तो equal weightage बताते हैं, ऐसा क्या है? या इतना आसान सा activity है? It is not, because interview is not just about your verbal communication. Verbal means either you speak or even if you are said to write something, it is more also about your non-verbal communication. आप अपनी qualities के बारे में जो signs and signals instructor को, interviewer को दिखा रहे हैं, वो आपकी personality का एक part है. It can include how you walk, how you talk, how you shake hand. Interviewer जो होता है, कई बार हाथ मिलाता है. He can greet you, he can welcome you verbally also. He does it with a reason. आप किससे हाथ कैसे मिलाते हैं, जो इसके experts हैं, they can tell about your personality from that thing only. Fish and steak, हाथ में कुछ है ही नहीं, कोई personality नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी मछली को पकड़े हुए, right? या hand crusher, हाथ पकड़ के ऐसे ही दबा रहे हो, right? मैं handshake पे आऊँगा, but let's move to that again the initial point कि उसके walk में करवट थी क्या? All right. In my opinion, the overall element of energy is missing. Correct? He is walking so slowly. Shoulders आप देखो, कोई sense of pride नहीं है. You are aspiring to be an officer. आपके किसी भी body movement से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि you are approaching a torture chamber. Getting me? The interviewer out there is not to eat you up. Okay? And he feels happy if you get recommend. Correct? Okay. Fair enough. But सर ये ना फैक्टर में समझ नहीं आ रहा, जब आप स्माइल करते हो आपका जोश या स्माइल खुशी दिखती है, बॉडी कैसे बता रही है? मतलब उसकी बॉडी में क्या बता रहा है आपको? इस पर्टिकुलर केस में जैसे मैंने बताया, लैक ऑफ एनर्जी है, शोल्डर्स डाउन है, जब वो आंसर कर रहा है उसकी आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आईज देखो, और जब मैंने कुछ और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा तो ही स्टार्टेड यू नो प्रेसिंग हिज लिप्स एज वेल. करेक्ट? तो ये चीजें आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट का जो प्रोसेस है
उसके टूटने का संदेश दे रही है, राइट? आप सोच जो रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट वर्बली दैट वेल, करेक्ट? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो पैर शेक कर रहा है, इट ऑल शोज नर्वसनेस. पेस ऑफ वॉकिंग इन दिस केस ऑल्सो इज नॉट नॉर्मल, इट्स अ बिट स्लो, थोड़ा लथार्जिक है. कई बच्चे बहुत तेज चलते हैं, दैट ऑल्सो शोज फियर, राइट? सो यू हैव टू बी नॉर्मल, यू नो, कैजुअल. नॉर्मल इन द सेंस व्हाट? मतलब एक सीनियर आदमी है, आप उसके सामने बात करें, बस इतना ही. Obviously, इतना? Treat the interviewer as if you are talking to some elder who deserves some basic respect. That should come from within. After all, you are trying to be an officer and he will be your senior always. And that's it. You need to have normal eye contact with him. Neither you need to stare at him, nor you need to just look away from him. Just have a natural expression on your face. एक बहुत बड़ा myth है कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, so I should look rude always. No, once aggression is expected or required, be aggressive. But normally, एक जो positive person होता है, एक lively person होता है, positive vibe उसी के around carry करती है. And the my thinking is, जो इंसान खुद खुश नहीं है, वो अपने जवान को, अपनी unit को कैसे खुश रखेगा? That's great words, sir. एंड मुझे मजा आया, पर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये हैंडशेक कैसा था? In my opinion, it was a handshake of equilibrium. Equilibrium. Yeah. ये equilibrium को आप समझिए. अगर मान लीजिए यही handshake में ऐसे करता, आपने किया, मैं ऐसे लगा देता, तो it is like half handshake. But this girls do. ये वाला handshake girls करते हैं या normally boys भी करने लगे आजकल? I'll give you my personal example. As you know, I did my masters from England. जी. So once I visited Scotland, right? There I had a female friend. Okay. So once I extended my hand like this, it was like Victorian era handshake from her side, like this. Oh, right. You must have seen it in old movies, Imperial era movies, Titanic for that example. Correct. So that is not the right approach. In very brief, I can tell you, if you may extend your hand, the ideal approach, you need to just come till here. This is a barrier. You will know that where to stop and just firmly hold your hand. Nothing else. That's gentle handshake. Yeah. That's it. That's one. That's perfect. That's equilibrium. You have your own respect and you're giving the respect. Correct. That's and it. You are communicating. That's as well. A great communication with you, sir. Same here. Likewise. Thank you so much. So, अभी आप इनसे मुलाकात करके आए थे. I think आपको ये दोनों याद आ गए होंगे. ठीक है. यहाँ पर ये जो दूसरे हमारे सर हैं, इनका नाम है अवनीश सर. ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, एक्स एनडीए रह चुके हैं. ठीक है. और एक बहुत बड़ी बात होती है, पता नहीं आपको इस बात का एहसास है कि नहीं, मैं वहां गया हूं और मैंने वहां जाके शूट किया है और इस इंस्टीट्यूट ने मुझे अलाउ किया कि जाओ अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें सही लग रहा है इसको रिकॉर्ड करो और यूट्यूब पर डाल दो. सो कोई भी अगर तुम इंस्टीट्यूट चुनो या कभी कोचिंग चुनो, हमेशा एक बात पे याद रखना, वो पर्सनैलिटी शेप करने का काम कर रहा हूं, मतलब पर्सनैलिटी को हथौड़ी की तरह मार मार के कर रहा हूं. कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो रटवाते हैं, आंसर रट लो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, वो नहीं. आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करो. आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप ना अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान बनो, SSB अपना आप निकल जाएगी. ठीक है. यही मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अब कोचिंग अगर तुम्हें लेनी भी पड़े तो तुम लो ऐसे जहां पर पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, और LWS में ऐसा होता है. तो मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया है गाइस, अगर तुम्हें लग रहा हो ना दिल्ली में तुम हो, दिल्ली के आसपास हो, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इनसे मिलो. अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ स्टेज वन पे हो चुका है, यहाँ पर साइक हो चुका है, इंटरव्यू की हमने बात कर ली है, अब हम आ गए हैं GTO. GTO आपका ना 2 दिन होता है. ठीक है. 2 दिन सबसे लंबा जो टेस्ट होता है ना वो यही होता है, सबसे लंबा ये. अब इसके बारे में अगर आपको समझना है ना, तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, अपने दिमाग में बिठानी होगी. दिस इज द टेस्ट जहां पर सबसे ज्यादा विजुअली आपको देखा जा सकता है कि यार ये लड़के की पर्सनैलिटी है क्या. ग्राउंड टास्क कहते हैं हम, ग्राउंड टास्क. और काफी सारे बच्चों को ना यही टास्क सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और उनकी नॉर्मली शिकायत क्या रहती है, मुझे आइडियाज नहीं आ रहे हैं. तो हम इसको एक्चुअल ग्राउंड पे देखेंगे कि ये टास्क होता कैसे है. अब देखिए हम आ गए GTO टास्क पे. अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. GTO टास्क में क्या होता है, आपके चलो 4 ग्रुप हुए, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4. ग्रुप 1 को स्टार्टिंग लाइन से शुरू करना है, फिनिश लाइन पे खत्म करना है. ऐसे ग्रुप 2 को, ग्रुप 3 को, ग्रुप 4 को. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, इनको फट्टा बल्ली और रस्सी की मदद से खत्म करना है. अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैं कह क्या रहा हूं कि भैया यहां से शुरू करना और यहां पर खत्म करना है. मैं समझाता हूं. पहले तो आप ये देखो, ये लाइने देखो, ये देखो, ये है 1, ये है यहां पर 2, देख पा रहे हो आप, ये आपकी आ गई 3, ये लास्ट में आ गई 4, ये वाली लाइन. ठीक है. ये आपको सारा नहीं करना होता, आपको करना तो खाली सिर्फ ये वाला होगा. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसे हम कहते हैं PGT. क्या कहते हैं? PGT. अगर फुल फॉर्म बोले तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क.
ठीक। अब इस टास्क में क्या होता है, आपको यहाँ पर यहाँ से सारा सामान उठाकर आपको यहाँ लेके जाना है अपने साथियों के साथ, इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब इसमें ना कुछ रूल्स होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। रूल्स क्या होते हैं, आपको ये हेल्पिंग मटेरियल दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल करना है। कैसे? ऐसे भाई, फट्टे का इस्तेमाल कर रखा है, रस्सी का इस्तेमाल रखा है, आपको इस्तेमाल करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में इन चीजों का इस्तेमाल, क्लियर है? इसे हम हेल्पिंग मटेरियल कहते हैं। इन्हें पीछे नहीं छूटना छोड़ना होता, ये रूल होता है कि अगर ये छूटा तो आपका रूल ब्रोक हुआ और आपको जो भी पनिशमेंट जीटीओ साहब देंगे वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक रूल और होता है, कलर रूल। कलर रूल क्या कहते हैं कि भैया रेड पे आपको टच नहीं करना, ब्लू पे कोई मटेरियल आपका टच नहीं करेगा, ब्लू पे कोई भी मटेरियल आपका टच नहीं करेगा, और व्हाइट पे आप भी टच कर सकते हो। और ये जो आपका मटेरियल, मटेरियल क्या था, ये वाला हेल्पिंग मटेरियल, ये हेल्पिंग मटेरियल इस पे रखा जा सकता है, टच हो सकता है, क्लियर है? व्हाइट पे, ब्लू पे खाली आपके पैर, आपकी बॉडी, और रेड पे ना आप टच करेंगे ना ही आपका हेल्पिंग मटेरियल, मतलब ये, क्लियर है बात? समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई, हमें समझ में आ चुकी है। ओके, तो हमारी मुलाकात कमांडर विकास यादव सर से हुई थी। मैंने पहले बताया था कोलकाता के फाउंडर हैं, और ये भी बता रहा हूँ SSB में GTO ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है कि मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि जो अभी मैं आपको टास्क दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो आप खुद करके देखेंगे, खुद करके देखेंगे कि हाँ ये होता कैसे, से आपको क्लियरिटी हो। बट बच्चे ऐसा हो सकता है, पर बच्चे ऐसा हो सकता है कि आप ना कर पाओ। क्यों ना कर पाओ, मेरी बात ध्यान सुनना। तीन टाइप के बच्चे होते हैं। पहला बच्चा वो होता है जो पढ़ के सीख लेता है, भाई किताब पढ़ी और उसको समझ में आ गया काम होगा कैसे। दूसरा होता है वो देख के सीखता है, और तीसरा होता है वो सीखता है करके, कि बाय डूइंग, ठीक है। तो यहां पर डूइंग तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी GTO वीक है, अभी ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी GTO वीक है, आपको पर्सनली ग्राउंड पे काम करके देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर LWS में जहाँ कमांडर विकास यादव सर हैं, वहां पर कॉल करके ना प्लीज अपनी डेट्स बुक कर लेना, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, अभी SSB आएगी मैं पहले ऐसे ही घूम के देख लेता हूँ, ये मत करना। हर बच्चा अलग अलग होता है। ये जो करके देखने वालों की संख्या होती है ना, ये 80% होती है, 80% पूरी दुनिया में। तो मतलब 99% चांस है कि आप उनमें से एक हो सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके जय मैन, दिस इज द स्टार्ट लाइन, दैट इज द फिनिशिंग लाइन, राइट? यू हैव द हेल्पिंग मटेरियल, वन प्लैंक, वन रोप, वन बल्ली एंड ए रिंग विद अ टी शेप स्ट्रक्चर, एंड यू हैव द लोड। स्टार्ट लाइन इज दिस, फिनिशिंग लाइन इज दिस। यू कैन सी दिस गोल पोस्ट शेप ऑफ स्ट्रक्चर, देयर टू इन नंबर, वन इज अ बिगर वन, वन इज अ स्मॉलर वन। हियर यू कैन सी दिस इनवर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर, टू एंड वन अ बैंड शेप स्ट्रक्चर विच इज टोटली मूवेबल एज ऑफ नाउ, राइट? इज अ हाफ ब्लू एंड हाफ व्हाइट, एंड दिस इज the top is blue, balance is this, like, so for timing we should remove this or just fix it there. Any doubt, anyone? No sir. Okay, so you are not allowed to use the balli for the time being. If it is, I will only tell you if are you able to use it or not. So you will only use as a T-shaped structure, plank and the rope. The time starts now. Gentlemen, we need to choose this part because we can put a setup here and we can stand from here. Yes, you can apply and the on the yes. It is simple that we go first of all you go there and then we will apply the next idea to there. Sir, is this movable? This is movable, yes. Okay, wait. What did I tell you about? Can you ask any further question? The task started, I believe, in the morning only. No, sir. Any doubt you have to ask only before the task starts. That should not do it. You can touch the white part. Make it a bit stable, bro. Bro, we can. I will hold it.
ओके वेट वेट नाउ कम डाउन गेट डाउन आई विल टोल्ड यू वेरी स्पेसिफिकली यू कैनॉट यू अप्लाई द फिजिकल फोर्स द फिजिकल फोर्स इन साइड द ऑब्स्टिकल कोर्स एज ए पेनल्टी वी आर टेकिंग इट आउट टेक दिस आउट एंड कीप इट साइड दिस मूवेबल स्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल टू यू नाउ सर अब क्वेश्चन ओवर है कि यहां से यहां तो कोई भी बच्चा आ जाता है यस 109 प्लीज कम ओवर है पर एक बहुत ही कॉमन सा डाउट सभी का रहता है सर अब मुझे आइडिया ही नहीं आया तो क्या करें और अगर आप जैसे जीटू है तो वो तो आगे मतलब चीज को मुश्किल कर देगा भी अच्छा खासा टास्क रखा हुआ था सो व्हाट टू डू लेट्स सी द ब्रेन और क्या करें हम अगर आप ब्रीफिंग को ध्यान से सुनोगे अप्रोच अगर आपका सही है ना देयर इज नो टाइम व्हेन यू डोंट हैव द आइडियाज ओके रीजन बीइंग आइडिया कब नहीं आएगा जब आप रट के जाओगे या मुझे ऐसे ही करना है तो आइडिया नहीं आएगा कैंडिडेट का अगर अप्रोच सही है ना सोचो कितना भी डिफिकल्ट हो कब सब कुछ हटा दे हिल कीप अप्लाइंग द अप्रोच इन द करेक्ट डायरेक्शन ओके एंड आइडिया विल 100% बी जनरेटेड चलो लेट्स सी द हाउ द बॉयज विल डू या चलो यू हैव वन थिंग आई विल गिव यू वन थिंग आई रिमूव द स्ट्रक्चर आई विल गिव यू द बल्ली आप ऊपर से मत देखा करो नीचे से देखा करो आपको कई बार बताया बीइंग अ कैमरा पर्सन यू ऑलवेज लुक फॉर मी speak louder and clear when you speak. So what do you want to do now? What do you want to do here? So I want to make a loop here. Yes. Then I can put the plank over here. By extending the length, by adding a pulley to it, we can go... Okay, this is the common mistake which you do and this is where, you know, your basic work sense comes into picture. When you tie a rope here, yes, sir. It's a round pole. Yes, sir. Right? Circular. The moment any pressure will come, where it will go down, where the rope will go down. Yes, sir. Will it go down or not? Yes, sir. So, is this any benefit for this? No, sir. Then think about it. But do it fast. Okay, time is running fast. Go there, fully on. Stand on we can reach here and then we would be able to put a plank over here to extend the length. After that, I can hold on to the ground. But now, if we put here, then it will be. We can make it. But we need some. Just put it. We can't. We will go to one end of the pulley here, but we can't put the Okay, Jayman, it's a very basic question. What did he ask? Can we not touch this plank to the ground? Then you need not to do anything. Aap niche zameen pe rakho plank and start working with the plank. We need to make a cantilever. That's the only way that's going to work. Don't take it to there. We need... We can't make it there. We cannot let it touch that blue line. So the blue line is all over. We have to use plank to support. Don't make take in the white part here. It is not going to go. Please hold it from this side. This yeah. Thank you. Now leave the plank.
Yes. Now we can extend the length by putting the plank pulley on the plank. Yes. Okay, sir, I have a question over here, sir. So the question over here is that boys have made something. Yes. But by this time, many of will speak. When the moving they will come to over here, very less will speak. But I think I'm sure you have noticed one thing also, sir. There was a guy. Please take it out. Chest number 147. You know, sir, फट्टा यहाँ रखा हुआ था. आपने भी notice किया होगा. तो sir, ये कुछ problem है क्या? जैसे द अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी ऑफ अ कैंडिडेट बिकॉज इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही है. इज आस्किंग कि सर कैन वी डॉन्ट टच द प्लैंक ऑन द ग्राउंड. आई मीन द बेसिक सेंस इफ यू टच द प्लैंक ऑन द ग्राउंड यू कैन वॉक अराउंड बट इट्स टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल डिसिप्लिन राइट हाउ सीरियस यू आर अबाउट द टास्क बिकॉज व्हाट द रूल सेज यू कैन यू आर हेल्पिंग मटेरियल कैन नॉट टच द एंड द लोड कैन नॉट टच द ग्राउंड एंड द लोड And the red area and also the If you gonna touch it on the ground itself, so what is the point of going ahead? These are the minor things, these mistakes which can it keep on doing. One time by mistake, it's understandable. But when you make a continuous, you know, again, again and again, this mistake. So it is like you are in kind of a loop. Yes, sir. It's kind of a plan. Like every time you will find the same candidate, you will find he's, you know, breaking all these rules. If the pattern becomes very common, then of course it is very evident that this candidate slightly, I mean, do not listen either to rules or don't want to, you know, stick to the rules. Fair enough, sir. Let's boys continue. Chalo. All of you please continue. आपकी मैं मदद कर देता हूँ. यहाँ से यहाँ तक हो गया. लो, रखो. Now this idea we grant you. Suppose this idea is workable, right? Yes, sir. How many of you will be able to reach there by this with the help of this idea? Two. Any two of you just walk on the ground and reach ahead. Okay. No issue. Now you can carry forward. Sir, को समझ में आ गया? When you walk on the ground, you take the helping material as well, right? Yes, sir. Okay. Gentlemen, please take the load there. No, no, don't pass the load. Take care of the load there. Don't pass the load. We will take it. We will take it. So, will you please... Can you please pass the plank over here? Instead of that, please remove the bully. I have an idea. What we can do is to put it here and here. After that, one of us could go there. After then, we will bring other from there, and the last man would carry the material as well as. So I think you should go there. Give it to me. Okay, Jaiman, wait. I mean, I have observed two things. Yes, sir. First of all, the moment he steps, where did he put this step? Here. It talks about the basic working sense, right? How you just think about it, where should I put the step? Now, biggest mistake, when I brief all of you this task, what I tell you, this is completely white in color. Yes, sir. Remove the plank. I tell there is a pole which is white from inside and outside. The top is blue. And is shown also. Yes, sir. He put the plank. None of you, you know, neither objected nor even you totally agreeing. Okay, if he's putting on the blue, all you are agreeing. It means all of you are breaking the rules. Clear to everyone? Yes, sir. Okay, now think about it. Now we can put the balli inside and we can tie rope here. So, sir, it is white on the inside, so we can directly put it inside. But we have. Yes. Now we would add a plank here. And we can tie the rope. Please pass the rope. We should tie it around here so that the rope expand and we go around there. Yeah, I want to put up a point here. Like these are the candidate who was left behind the start. कई बार क्या होता है कि जो इनर सर्कल में चलेगा जो बच्चा काम कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है अब उसको लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं बिल्कुल बाहर रह गया इवन फ्रॉम दिस पॉइंट दे कैन गिव देयर आइडियाज दे कैन लुक एट दिस साइड और यहाँ पे कई तरह के आइडिया है एक तो पूरा सिंपल सा स्ट्रक्चर एक एक्स है एक उधर पोल है उस पर क्या बना सकते हैं दूसरा अगर इनको आगे जाना है तो दे कैन लुक इट हेयर एंड गिव देम अप्रोच कि व्हाट शुड दे शुड डू इट हेयर सो दैट ये इनको यहाँ से फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेकंड पे ले रिवर्स अप्रोच रिवर्स वो आगे काम करें और ये पीछे की तरफ काम करें कि इनको आगे कैसे आना यस अगर एटलीस्ट अगर आप लोग उस पर ध्यान दोगे कि अभी क्योंकि तो यहाँ पे कई बार लगता है कि यार मुझे तो आइडिया नहीं आ रहा है या मुझे आइडिया है लेकिन उसने मुझे मौका नहीं दिया उन आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का तो एटलीस्ट यहाँ से सोचते रहो एंड इवन स्टैंडिंग देयर
कीप आर्टिकुलेटिंग, उसको ढंग से बताना है आपको बोल के कि भाई ये आप ऐसा कर सकते हैं, और यू नो वी कैन अप्लाई व्हाट यू कैन डू, यू आर वन मोर हेल्पिंग यू नो मटेरियल, हाउ दे कैन यूटिलाइज इट टू टेक यू टू दिस सिस्टम राइट। सो अभी सर क्या हुआ था कि 105 ने थोड़ी देर पहले ना यहाँ पर पैर रखा था, कुछ हो गया था। सो 105 एक बार करके दिखाओ क्या कर रहे थे आप। रोप सब एडजस्ट किया, और एक बच्चा आएगा चढ़ने के लिए वो ऐसा पैर रखेगा कि पूरा का पूरा इधर उधर रखेगा, अब मतलब यहाँ रखेगा तो स्टेबल है, तो यहाँ रखेगा अनस्टेबल, अगर वो ये चढ़ने से पहले इतना भी मेकआउट नहीं कर सकता, देयर इज आई नो ही हैज टू अंडरस्टैंड दिस, हो सकता है, बट एटलीस्ट जब बाकी लोग काम कर रहे हैं उसको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे को रखना कहाँ है। ओके 109 यहाँ रखना, आगे क्या होता है देखें जरा, खड़े हो, दैट्स परफेक्टली स्टेबल, जरा सा एक पाइवेट है, सही पाइवेट होता क्या बाबा, पाइवेट पाइवेट बता रहे हैं, पाइवेट होता क्या है। देखो यहाँ पे जब इसने अरेंजमेंट बनाया तो यहाँ पे पूरा, अब इसका आई मीन वेट विल बी शिफ्टेड अहेड ऑफ इट, ये पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा ना इज अ पॉइंट जहाँ पे वो आ रहा है। तो बच्चे को देखने के मेरे दो पॉइंट पे मैंने प्लैंक को स्टेबल किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पीछे वाला पॉइंट ऊपर नहीं जाने, आगे वाला नीचे नहीं जाने, मतलब कुछ रोकने के लिए होना चाहिए अपने, जो भी चाहिए वो इसके आगे चाहिए, क्यों अगर वहां से रुक गया वो आप अपना स्टेबल है तो आपका वेट यहाँ पर रोकने का काम कर रहा है। ओके अच्छा अभी जैसे मैं, आपने ये पोल लगाया यहाँ पे, रिमूव दिस पोल, अभी रिमूव दिस प्लैंक, यू हैव जस्ट पुट दिस प्लैंक ऑन टॉप ऑफ दिस पोल, नाउ यू कैन सी टोटली ब्लू, ऊपर से देख रहे हैं, यस सर। नाउ फॉर द टाइम बीइंग सपोज द एंटायर स्ट्रक्चर बिकम्स ब्लू, नाउ व्हाट विल यू डू नाउ सर, वी कैन यूज और किया सर, नाउ परफेक्टली फाइन, बाय दिस विल बी एबल टू मूव अहेड, बट हाउ विल यू ब्रिंग दीज कैंडिडेट जो पीछे रह गए अभी, उनको कैसे लेके आओगे? सो वी गो टर्न इट अराउंड, पुट इट हियर, यस, सो नाउ वी कैन पुट द प्लैंक फ्रॉम हियर टू दैट साइड, नाउ वी विल बी एबल टू ब्रिंग देम हियर, बाय दिस यू विल बी एबल टू मूव अहेड, यस सर, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन फर्दर मूव अहेड राइट, यस सर, एंड हाउ विल ब्रिंग द लास्ट मैन फ्रॉम हियर, so I just grant you idea, all of you please come ahead, okay and from here suppose the idea which you applied earlier, you apply the same idea, all of you able to move ahead, yes sir, first one candidate will remain back, yes sir, show me how we'll bring the last candidate, sir before bringing the last candidate I want to know one thing, I he me yahan par nahi hota, we hota hai, yeah, so what is we over here, kyunki is obstacle mein kai log apna chana lag jata hai, yeah, तो वो क्या है वी? चलिए वी क्या मतलब क्या होता है, द टास्क इज नॉट लाइक यू नो, टास्क इज ए टीम टास्क, इट इज द टास्क, यू कैन नॉट से, कई बार क्या होता है बच्चा वहां पहुंच जाएगा आगे का देखने लगेगा, कई बार क्या करेगा वो यहाँ पे सोचेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया सर उसने पकड़ा है, लाइक अभी सपोज इज टचिंग द ब्लू पार्ट, द ब्लू पार्ट, इफ आई पॉइंटेड आउट द टीम कि व्हाई यू आर हेल्पिंग मी टचिंग द ब्लू पार्ट, ये कि अविनाश इज इन द ग्राउंड, ग्राउंड कर दिया राइट, अब ये दूसरे लोग को ब्लेम करेगा राइट, या फिर हम इससे पूछेंगे तो बोले कि सर ये कर रहा है, इट इज लाइक इट इज देयर मिस्टेक, सो यू हैव टू ऑल ऑफ यू टू ओन अप दिस टास्क, कि हमारा सबका टास्क है, इवन इफ ही इज टचिंग यू हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, लेट्स पिक इट अप राइट, बट सर कुछ मैं पॉइंट करने के, तूने गलत कर दिया, ये देख यहां रख दिया, वो रख दिया, अब वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, मतलब कायदे में तो पॉइंट आउट कर रहा है वो, यस ही शुड डू, आई थिंक रूल को फॉलो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट इन ए मैनर कि आपको रूल फॉलो से आप दूसरों को प्रॉब्लम में बता रहे हो कि तेरी गलती से ये हुआ है, तेरी गलती से नीचे टच हो गया, इंस्टेड ऑफ लाइक ब्लेमिंग अदर्स, यस इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समबडी एल्स, और मे बी ही विल थिंक हैवी ओके शुड आई हेल्प यू आउट, यू आर टचिंग द ग्राउंड, इट इज अ बेटर वे, जेन्युइन लगना चाहिए, मतलब genuine, कि yes. खुद की टीम में है ये मदद करने के लिए, एंड तुम्हारा कंसर्न भी जेन्युइन होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे राइट। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, 45 मिनट का टास्क होता, 45 मिनट्स का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, पर उस ग्रुप में से 8 में से 8-10 में से 5 बच्चे रिकमेंड हो गए, 5 टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 45 मिनट्स का जाल है आपका बिछाया हुआ कि इसको आप अंदाजा नहीं देते। देखो टाइम का क्या होता है, टाइम तो फिक्स है हर टास्क के लिए कि हमें इसके लिए इतना देना है, बट फाइनली इट्स नॉट अबाउट कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, ओके वो 4 टास्क से मिल सकता है, वो आपको 3 में मिल जाए क्या पता, कई बार टाइम ओवर हो गया, ऐसा नहीं कि 3 में उसने कुछ नहीं किया, बाकी टास्क में तो इट कैन हैपन। ओके चलो आखिरी पार्ट करते हैं सर, प्लीज अलाउ देम। ओके चलो ऑल ऑफ यू जस्ट मूव अहेड एक्सेप्ट वन एंड टेल मी हाउ विल यू ब्रिंग द लास्ट मैन फ्रॉम, ओके यू आल्सो वेयर स्टैंडिंग राइट, हाँ जस्ट कम हियर, ओके
Now tell me, how will you bring this candidate? So we can make a simple breeze over there by putting beads inside, and it would be distance less than 4 feet, so we can go at that side. Okay, also. Now I'll tell you what is the problem. Candidate does it. I mean, generally candidates do here also. Suppose आपको यहाँ पैर रखना है, अभी रखो एक बार. The moment it'll climb, it is going up, right? And या तो दूसरा पैर रखो अभी. Now, even if you're doing like this, now put it up here only. Still it is going because the other candidate who's standing is not standing proper. Now you understand what is to done is, if you are two of you stand, then how will you stand? So both. Yeah. This is the proper way. And then जैसे भी खड़ा होना है, but at least दोनों का weight आना चाहिए, क्योंकि weight balance करना है. Now you go. I'll be able to go easily, right? So this is where you will be able to do this. Yes, sir. Sir, मेरे को ना एक बहुत बड़ा doubt है. मैं बीच में आया हूँ, sorry. ये लोग सोच रहे होंगे घर जाएंगे अब, बट अभी नहीं होने वाला कुछ ऐसा. So normally क्या होता है, ये बात सभी को याद रहती है कि यहाँ पर खड़े हो सकते हैं हम. But वो क्या करते हैं, छोड़ना बच्चे, इसी टास्क को यहाँ पर भी हैंड सपोर्ट देने लगते हैं. This is, देखो ये तो रूल का जानने का है. वो स्पेसिफिकली बताया है कि when you are standing here, you cannot apply the फिजिकल फोर्स, बट इफ यू आर अप्लाइंग हियर इज अ प्रॉब्लम. अभी उन्होंने एक और गड़बड़ किया है, वो वहां पहुंच तो गए बट इनके हेल्पिंग मेडल भी इधर लटका हुआ है, राइट? सो दीज आर द मिस्टेक व्हिच यू शुड अवॉइड व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग दिस. पर सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसी चीजें करने पे तो आपको पूरा कर दो, इन सबको निकाल दो. इट्स नॉट सी ऐसे नहीं कि एक ही चीज पे सब लोग पास या फेल हो जाएंगे, बट ये ध्यान रखना है क्योंकि ये पैटर्न नहीं बनना चाहिए आपका. अगेन बता रहा हूँ कि एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, फिर कोई नहीं छोड़ेगा आपकी गलती के लिए. Okay. अपनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो देन देयर विल बी सम प्रॉब्लम. दैट्स अ ग्रेट हेल्पिंग हैंड्स ऑफ, बहुत अच्छा आपने बताया. एंड आई गाइस विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. एंड दिस टेस्टिमोनी विल टर्न इनटू प्लस नंबर सून. ओके, ऑल द बेस्ट गाइस. अब यहाँ पर आपका जीटीओ टास्क भी हो गया. तीन मतलब दो दिन लगते हैं यहाँ पर, और जब दो दिन होने के बाद अब आपकी लास्ट चीज बचती है, कॉन्फ्रेंस. ये कॉन्फ्रेंस बड़ी हॉन्टिंग सी होती है क्योंकि इसमें ना ऐसे ही ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पर सेंटर पर ऑफिसर बैठा हुआ होता है. जैसे यहाँ तो अभी बिपिन रावत साहब बैठे हुए हैं, बट ऐसे ही होता है, सिमिलर डिट्टो कॉपी पेस्ट ऐसे ही होता है. और क्या होता है ना, ऊपर से लाइटें पड़ रही होती हैं तो इनके जो स्टार्स होते हैं ना चमक रहे होते हैं बड़े अच्छे खासे, और कई बार वो हॉन्ट कर जाते हैं ऑफिसर कह रहा हूँ स्टूडेंट को. और जब स्टूडेंट को हॉन्ट कर जाते हैं ना तो ब्लैंक हो जाता है, फिर जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्फ्रेंस में वो बोल नहीं पाता. याद रखिए, ये आप जैसे इंसान हैं, अगर इनकी वर्दी उतार दें या मतलब वर्दी वो उतार के साइड रख दें तो आपको फर्क नहीं समझ में आएगा नॉर्मल आदमी और ऑफिसर, क्लियर है? तो इनसे घबराइए मत, कॉन्फिडेंस से आप जवाब दीजिए, और ये आपको सिलेक्ट करने ही बैठे हैं, ठीक है? और अब मैं आपको एक बात, आखिरी बात बोलना चाहूंगा, बच्चे खुद से तैयारी कर सको करो खुद से तैयारी, ठीक है ना? पर अगर कमांडर सर की जरूरत है, सुमित सर की जरूरत है आपको, तो LWS को कॉल करने से हिचकिचाना मत. मैंने एक बात देखी है कि एक बार SSB निकल जाना, सिर्फ एक बार, पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरी लाइफ. एक अटेम्प्ट बहुत जरूरी होता है, और अगर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है ना तो बस फिर तो समझ लो कि आपके सपने कहीं दूर दूर तक नहीं है. तो अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर कॉल मिलाओ LWS में और ज्वाइन द नेक्स्ट बैच. सो फाइनली ये वीडियो अब खत्म हो गई है, बट मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, और दिल की बात ही है. मैं चाह रहा हूँ जिस दिन आप रिकमेंड हो ना, अपनी कहानी जरूर बताओ. मेरा नंबर यहाँ पर ऊपर मेंशन है, एंड आई होप कि मेरी आपसे एक दिन मुलाकात जरूर हो, जिस दिन मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और दुनिया को बताऊंगा देखो ये है वो जिसने ना सपने सजाए थे अपने और आज पूरे हो गए उसके. बट मैं एक बात बोलूंगा कि आज आपके पास और भी कई चीजें सीखने के लिए, ठीक है ना? मैंने सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है, बट अभी भी साइक, GTO और इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें बाकी है. मैंने यहाँ पर जस्ट एंड मर आप देखोगे कि पूरी एक लिस्ट आ जाएगी थोड़ी देर पे, जहाँ पर जो असेसर्स हैं, एक्स असेसर्स, उनके पुराने इंटरव्यू मैंने रखे हैं, जिसमें आपको GTO, साइक, इंटरव्यू सब सीखने को मिलेगा ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री. सो अगर आप उसको देखोगे तो आपका ना विजडम थोड़ा और बढ़ेगा कि SSB और क्या करना है मेरे को अपने सपने को पाने के लिए. तो मैं आपसे मुलाकात करता हूँ आप अगली वीडियो में, और आप ये वीडियोस देखना आप शुरू करो.